बन जाए, इससे तो लाखेगा दुश्मन, हम खड़े हुए दुश्मन आए। सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ दस्ता जो मराठा लाइट इन्फेंट्री का, जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के कैप्टन शाश्वत दबाज कर रहे हैं, जिसे काली पांचवी के नाम से जाना जाता है। आदर्श वापसी, कर्तव्य सम्मान, उत्साह, युद्ध घोष, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और उसके पीछे आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। इसमें 100 संगीतकार शामिल हैं। बैंड का नेतृत्व सिख रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कुलवंत सिंह कर रहे हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नायक सूबेदार जतिंदर सिंह और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के हवलदार लक्ष्मण सिंह। और बैंड अप्पू की धुन के साथ आगे बढ़ रहा है। We never stop because we move forward step by step the path of transformation. While we move, we sing a song of unity for entire nation. Spreading the wings of nation first, always first, we fly far. Ladies and gentlemen, yes, we are the tigers of mountains, we are the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh. Dogra Regiment is one of the most prestigious and most decorated regiment of Indian Army. Motto of the regiment, Kartavya Anbata, meaning duty before death. Regiment's war cry, Dwala. की नियत में कोई और मेरी अहंकार बनेगी पूरी पाला को। अगला दस्ता गलवान के बलवान इतिहास रेजिमेंट अपना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतिहास शौर्यपूर्ण कार्रवाइयों से परिपूर्ण 12वें बटालियन बिहार रेजिमेंट के मेजर रत्नेश तिवारी के नेतृत्व में दो थिएटर ऑनर, एक बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित, 3 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्म ही धर्म, युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। और ठीक उन्हीं के पीछे कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास बोलता संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता असम रेजिमेंटल सेंटर, महा रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 68 संगीता के शामिल महा रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर भेकर सिंह साथ दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अशोक कुमार और असम रेजिमेंटल सेंटर सूबेदार संतोष कुमार पांडे। ये बैंड वीर कारगिल की घोषी भी धुन बजा रहा है। Next marching contingent is gallant Gurkhas from illustrious Gurkha Brigade led by Lieutenant Inderjeet Singh Sikkarwal of 4th Battalion of the 9th Gurkha Rifles. Gurkha Brigade is a testimony of strong cultural and historical relations between India and Nepal. The tenacity and bravery of Gurkhas was aptly described by Field Marshal Sam Manisha when he said, "If a man says he's not afraid of dying, he's either blind or he's a Gurkha." The motto of the regiment is "Kapar Hunu Banda Marnu Ramro," and war cry is के बाद भारत के अमृतकाल की दिशा में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित अगला दस्ता पूर्व सैनिकों संघर्षों की अग्नि में खुद को दबाकर राष्ट्र को सशक्त करने वाले अपने त्याग एवं तजुर्बों की रोशनी से हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। पिछले 75 सालों में भूतपूर्व सैनिकों के अनुकरणीय योगदान को दर्शाती है चलती राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हमारे भूतपूर्व सैनिक जो रोल मॉडल बनकर समाज में पूरे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। खेल, डिजिटल इंडिया, आधुनिक खेती जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Here comes, ladies and gentlemen, the sea fox, Indian Navy, war ready, reliable and organized. Approaching the saluting days on the tune of Navy song, Jai Bharat is the world's renowned brass band of Indian Navy, comprising of... He said one